नमस्कार, बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु शेखर। 17 अक्टूबर से यूएई में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। भारतीय टीम ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है महेंद्र सिंह धोनी के टीम से जुड़ने वाली बात। दरअसल भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आगामी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेंटोर की भूमिका में होंगे। BCCI ने इसकी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर जैसे प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। आपको तो पता ही होगा, धोनी भारत के सफलतम कप्तानों में से एक हैं। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। इतना ही नहीं, धोनी ने टीम इंडिया को साल 2009 में टेस्ट चैंपियन भी बनाया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धोनी भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक है। इस वीडियो में हम उन कारणों का जिक्र करेंगे जिस वजह से धोनी को आगामी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मेंटोर बनाया गया है। 2007 में T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन खेला गया था। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था। तब धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी और धोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को T20 चैंपियन बनाया था। T20 क्रिकेट में धोनी का अनुभव काफी ज्यादा है और यही अनुभव टीम इंडिया के काम आएगा। धोनी ने 98 T20 इंटरनेशनल और 211 IPL मैच खेले हैं। धोनी ने अपने हैरतअंगेज फैसलों से कई बार हारे हुए मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई है। ऐसे में आने वाले T20 विश्व कप में धोनी का अनुभव टीम इंडिया को बहुत काम देगा और जीत दिलाएगा। रणनीति बनाना और मुकाबलों को कैसे जीता जाए, धोनी से बेहतर कोई नहीं जानता। धोनी के पास 15 साल का अनुभव है। धोनी ने T20 वर्ल्ड कप में 6 बार टीम इंडिया की कप्तानी की है। धोनी के पास सटीक गेम प्लान रहता है। रणनीति बनाने में धोनी से बेहतर कोई नहीं। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार विराट कोहली भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। ऐसे में कोहली को बतौर कप्तान धोनी के रहने से काफी मदद मिलेगी। धोनी जब टीम में भी थे तो उस वक्त कप्तान कोहली को काफी मदद करते थे। मुश्किल परिस्थिति में कई बार धोनी कमान अपने हाथ में ले लेते थे। आगामी T20 वर्ल्ड कप में धोनी फिर से कोहली की मदद करते नजर आएंगे। धोनी को भारत के खिलाड़ियों की अच्छी परख है। किस खिलाड़ी में क्या प्रतिभा है और किस खिलाड़ी का कब और कहां उपयोग करना है, धोनी अच्छी तरह जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप में धोनी की सलाह बहुत काम आएगी। बता दें, भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। यह मुकाबला दुबई में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि धोनी के आने से टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करती है। फैंस के उत्साह की तो कोई सीमा नहीं है। वो तो अब यही चाह रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी IPL खत्म हो और T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाए। फैंस सहित क्रिकेट के दिग्गज भी BCCI के इस फैसले को सराहनीय बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच विवाद भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लाइफ मेंबर ने आगामी T20 वर्ल्ड कप में धोनी को टीम इंडिया के मेंटोर बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस बाबत BCCI को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर यह निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लाइफ मेंबर संजीव गुप्ता ने BCCI के काउंसिल मेंबर्स को एक चिट्ठी लिखी है। BCCI के एक सोर्स ने PTI को बताया है। हाँ, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा, BCCI संविधान क्लॉज 38(4) के तहत एक व्यक्ति किसी दो पदों पर नहीं रह सकते। एपेक्स काउंसिल को लीगल टीम से इस फैसले को लेकर सुझाव लेना चाहिए। आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। और बुधवार को BCCI सचिव जय शाह ने घोषणा की थी कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में धोनी भारतीय टीम के मेंटोर की भूमिका में होंगे। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि धोनी को आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का मेंटोर बनाना सही फैसला है या नहीं, और भारतीय टीम को इससे कितना लाभ मिलेगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।